पूर्वी उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जनपद। नेपाल से निकलने वाली अधिकांश नदियां इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। राप्ती नदी उनमें से एक है। इस नदी के किनारे की हजारों एकड़ जमीन बालू या बलुई दोमट मिट्टी के रूप में है, जिस पर नदी के किनारे बसे गांव के किसान खेती करते हैं। इस क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। जो इनकी जिंदगी बदहाल होने का एक बड़ा कारण है। जिस कारण से ये किसान साल में केवल एक ही फसल ले पाते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए ये किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अधिक करते हैं, जो मिट्टी, भूगर्भीय जल और नदी के पानी को प्रदूषित करता है। इस प्रदूषण को कुछ कम करने और नदी किनारे बसे इन किसानों की आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिए ट्रस्ट कम्युनिटी लाइवलीहुड ने टाटा ट्रस्ट के वित्तीय सहयोग से इस क्षेत्र में एक परियोजना प्रारंभ की, सुजलाम सुफलाम। इस परियोजना के तहत लगभग 84 किसानों ने 190 एकड़ क्षेत्र में बताई गई विधियों का पालन करते हुए कद्दू वर्गीय खेती की है। इन विधियों के इस्तेमाल से बेहतर परिणाम आए हैं। आइए जानिए क्या हैं ये विधियां और कैसे हैं इनके परिणाम। क्षेत्र के किसानों ने 100% बीज उपचारित कर बोना शुरू किया है। इस विधि में बीज को पानी में 12 घंटे के लिए भिगोया जाता है। फिर बीज को आधे से एक घंटा सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद इसमें 2 चुटकी कार्बेस्टीन 50 डालते हैं। फिर इसे अच्छी तरह मिला देते हैं, जिससे ये बीज में चिपक जाता है। इसको एक कपड़े में रखकर पोटली बना लेते हैं। और बोरी में लपेटकर किसी गर्म कपड़े से ढककर रख देते हैं। पांच दिन बाद जब बीज में अंकुरण हो जाता है तो इसे बो देते हैं। इस उपचार से शिशु पौधे में फफूंद जनित रोगों से बचाव होता है और अधिक रसायन उर्वरक भी नहीं डालना पड़ता। जब कद्दू वर्गीय पौधे का लतर यानी मुख्य शाखा 1.5 से 2 फीट की हो जाती है तो उसके फुनगे को कुपट दिया जाता है, यानी तोड़ दिया जाता है। शाखा निकलेगा, ये इस कारण से उपशाखाएं ज्यादा निकलती है। ये है उपशाखा में फलन ज्यादा ये है। इस विधि के इस्तेमाल से किसान बिना किसी अतिरिक्त लागत के अधिक फसल उगाने लगे हैं। इस विधि में खेत के चारों ओर सूरजमुखी के पौधे रोपे जाते हैं। इसको लगाने का उद्देश्य है कि इसके फूलों की ओर भौरें, तितलियां और मधुमक्खियां आकर्षित होते हैं और आकर इसके फूलों पर बैठते हैं। यहां से उड़कर ये कद्दू वर्गीय फसल के फूलों पर भी बैठते हैं। भौरें
तितली और मधुमक्खियों के एक फूल से दूसरे फूल पर बैठने के कारण पराग सेचन की क्रिया तेज हो जाती है। पराग सेचन की क्रिया तेज हो जाने से मादा फूल ज्यादा जीवित रहते हैं। प्राकृतिक तौर से उनका विकास तेज हो जाता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। पहले इसी उत्पादन को पाने के लिए किसान रासायनिक उर्वरकों का बेतहाशा इस्तेमाल करते थे। आएगा भाव तो 2000 रुपए माल हो सकता है, नहीं दाम आवा तो 500 रुपए माल हो सकता है। किसानों को प्रेरित किया गया है कि वे फसल की सिंचाई में कम पानी का प्रयोग करें। इसके लिए टपक सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। टपक सिंचाई के लिए खेत तक पानी पहुंचाने के वास्ते सोलर नैनो पंप का इस्तेमाल हो रहा है। सोलर नैनो पंप के जरिए तालाब या नदी का पानी खींचकर खेत तक पहुंचाया जाता है। पंप से जुड़े एक पाइप को नदी या पास के तालाब में डाल देते हैं। पंप को चला देते हैं। पंप सौर ऊर्जा से चलता है। नदी या तालाब से पानी को खींचकर पाइप द्वारा खेत के पास रखी टंकी तक पहुंचाया जाता है। पानी टंकी में इकट्ठा होता रहता है। टपक सिंचाई के पाइप इस टंकी से जुड़े रहते हैं। वे पाइप पूरे खेत में फैले रहते हैं। इससे टपकने वाला बूंद बूंद पानी सीधे पौधे की जड़ को सिंचित करता है। इस विधि के इस्तेमाल से खेत की सिंचाई में पानी बहुत कम खर्च होता है। इस प्रक्रिया में डीजल पंप की जगह सोलर नैनो पंप का इस्तेमाल होने के कारण डीजल पर खर्च होने वाले धन की बचत होती है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। कद्दू वर्गीय फसलों पर फल मक्खी का प्रकोप होता है। इस मक्खी के आक्रमण से फल भीतर से सड़ जाता है। इससे निपटने के लिए किसानों को एक सरल विधि सिखाई गई है। खेत के किनारे पानी भरकर एक बर्तन रखते हैं। इस पानी में गुड़ को चूर कर मिला देते हैं। इसमें दो बूंद कीटनाशक भी मिला देते हैं। गुड़ की महक से फल मक्खी और अन्य कीट पानी की ओर आकर्षित होते हैं और फिर उसमें गिरकर नष्ट हो जाते हैं। फसल नुकसान से बच जाती है। किसानों को प्रेरित किया गया है कि वे फसल बोते समय गड्ढे की गहराई 1 से 2 मीटर ही रखें। इससे पहले वे 5 से 7 फीट गहरा गड्ढा खोदकर बुआई करते थे। अब 1 से 2 फीट गड्ढा खोदकर गोबर की खाद अधिक डालते हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग अब 1/4 ही रह गया है। इस विधि को अपनाने से व्यक्तिगत श्रम तो घटा ही है, लागत मूल्य में भी बहुत कमी आई है।
साथ ही साथ रासायनिक खाद के अधिक इस्तेमाल से होने वाले नदी जल प्रदूषण को भी नियंत्रित करने में ये विधि बहुत कामयाब रही है। संस्था की प्रेरणा से इन किसानों ने अपने उत्पाद को बेचने के लिए गांव के पास ही एक छोटा बाजार विकसित किया है। पहले ये अपने उत्पाद दूर दूर ले जाते थे और अलग अलग ले जाते थे। इसमें श्रम भी अधिक लगता था और ढुलाई खर्च भी अधिक आता था। अब गांव के समीप ही विकसित हुए बाजार में कुछ किसान उत्पाद बेचते रहते हैं, जबकि बाकी अपने दूसरे कामों को निपटाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाने से माल ढुलाई पर होने वाले खर्च में काफी कटौती हो गई। इन विधियों के लगातार प्रयोग से इस क्षेत्र में नदी किनारे खेती करने वाले किसानों के उत्पादन में लगभग दो गुने की वृद्धि पाई गई है। फलन ज्यादा हो रहा है। आज के 5 साल पहले मेरी जमीन सारी नदी में कट गई। हमारे सब लोगों की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई। धीरे धीरे 2-3 साल बाद जमीन नदी फिर अपने जगह पर चली गई, तो हम सब लोग उसमें लौकी, कोहड़ा, करेला सब लगाते थे, लेकिन उत्पादन कम होता था। बाद में TCL विभाग की संस्था से श्री राम नारायण जी डॉक्टर साहब आए, उन्होंने हम सब लोगों को ज्ञान बताया कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। तो उन्होंने बताया कि बीज को पहले उपचारित कीजिए बाबिस्टन से, फिर इसके बाद गड्ढा का साइज की कम कीजिए, गोबर खाद ज़्यादा डालिए, रासायनिक खाद कम कीजिए, और फिर जब फसल जब जम गई तो उसके फुनगा काटिए, फुनगा से उतने ज़्यादा कल्ला निकलेगा, इससे ज़्यादा लाभ होगा, और फिर तितली सूरजमुखी लगाओगे, तितली भौरे आने लगेगा, इससे बढ़िया लाभ भा पर साल की अपेक्षा इस साल हमें ज़्यादा लाभ मिला। हम अपने लड़की की शादी असो हमें यही फसल से शादी की, हमें किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ा, लगभग 2 लाख रुपये हमारी लड़की की शादी में खर्चा हुआ। अभी तक अनुपयोगी पड़ी जमीन का भी इस्तेमाल किसानों ने करना शुरू किया है, जिसने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी कुछ मजबूत किया है। हालांकि बाजार भाव की घट बढ़ जारी है, मगर ज्यादा उत्पादन और कम लागत के कारण क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ी है। देसी खाद है, लग जाता है तो वैसे भी विकास ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम लोग देसी खाद ज़्यादा लगाते हैं। अब साहब लोग के कहे से DAP कम कर दिया गया कि खर्चा कम हो जाए, तो इसी के कारण से अब असो भी पैदाइश बढ़िया है, पैदा सभी किन है, फसल हर किसानों के लिए बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सस्ता ही है, ऐसे का होता है, लेकिन पैसा चाहे 10 आवे चाहे 20 आवे मिलत तो है। रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का इस्तेमाल घटने से पर्यावरण संवर्धन में बहुत मदद मिली है। इस विशाल क्षेत्र के छोटे से हिस्से के चंद किसानों के साथ किए गए ये प्रयोग सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि सफलता के इन प्रयोगों को और किसानों तक भी पहुंचाया जाए, ताकि वे भी लाभ उठा सकें सुजलाम सुफलाम परियोजना का।